हरी होगी। हाँ, मैं यही सिखाता हूँ अपने तमाम गार्ड्स को। तुमने ये कहाँ से सुना? तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा, ये मैंने हे, कौन है वहाँ? भागो! चलो, हमें सुल्तान तक खबर पहुंचानी होगी। तुमने देखा, उस्मान हमारे पीछे नहीं आया, शायद वो मुझे पहचान गया। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगता है कि उसने तुमसे हार मान ली। आए तो भी कहा था यहाँ नहीं यहाँ। सो सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया डॉक्टर डुबान। यस, समझ में आ रहा है मुझे ये। ऐसा एक नक्शा मैंने पहले भी देखा है। ये साइफर लैंग्वेज है। इसमें क्या लिखा है डॉक्टर? The Oracle of the Ifrit, जो आग और राख से पैदा हुआ। अलमराज के सहरा में इसका आशियाना, वही बता सकता है ट्री ऑफ लाइफ का ठिकाना। हाँ, ये तो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन मुझे याद है साल के दिनों यहाँ बहुत रेत उड़ती है। उस जगह को ढूंढने के बाद सबसे पहले तुम्हें आग लगानी होगी रेत पे, उसके बाद ही वो ओरेकल ट्री ऑफ लाइफ का राज बताएगा, लेकिन किसी चुने हुए को। समझ गया, ये तो कोई मसला ही नहीं। अच्छा, मुझे तो इनकी एक बात समझ नहीं आई, ये बताएं कि हम सहरा में आग कैसे लगाएंगे? इससे लगाएंगे अ मैजिकल थिंडर स्टिक। ये कमाल की चीज है, इसे होशियारी से यूज करना, ये एक बार ही इस्तेमाल हो सकती है। ओह ग्रेट, चलो फिर गुड नाइट। रुके डॉक्टर डुबान, प्लीज हमारे साथ चलो। नो, इतना लंबा सफर वो भी इस उम्र में, ना 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 ना, बैड फॉर माय हेल्थ। प्लीज डॉक्टर, हमें वहाँ आपकी जरूरत होगी, आपकी नॉलेज की, आप जीनियस है। कितनी अच्छी बात होगी ना जब इन दोनों को एक और जीनियस मिल जाएगा। वो अभी तक जिंदा है उस्मान? मैं माफी चाहता हूँ आपसे, उसने हमें बहुत आसानी से हरा दिया। उस्मान? किसने? शेरजाद ने या फिर टॉकिंग लैंप ने? नहीं, उस भयानक नीले मॉन्स्टर। उन्हें पकड़ो किसी भी तरह। हाँ, पकड़ेंगे उन्हें, मगर उससे पहले होगी क्रिस्टल सिटी से जंग, क्योंकि यही सही वक्त है। उनके सिपाहियों के टुकड़े कर देंगे इस कप की तरह। नहीं टूटा? नो, अभी जंग का वक्त नहीं आया है, ये तब होगा जब मैं मेरा मतलब कि हम इतने ताकतवर हों कि विक्ट्री हमारा मुकद्दर हो। लेकिन वो कैसे होगा दुनियादार? भूल गए? हाँ? ट्री ऑफ लाइफ, हमें उनसे पहले उसे ढूंढना होगा। ट्री ऑफ लाइफ तक हमें पहुंचाने वाले भी वही होंगे। I like it. ये होगा कैसे? Well, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो डॉक्टर डुबान के पास जरूर गए होंगे। उन पर नजर रखने के लिए एम्स को पीछे लगा देते हैं, जो हर खबर की रिपोर्ट मुझे करेंगे। बिल्कुल फ्लॉप है ये आइडिया, लेकिन हमें पहले करनी है जंग। लेकिन खाली पेट जंग नहीं हो सकती, इसलिए हमें कुछ खाना है। थोड़ी देर के लिए खाने को भूल नहीं सकते, जंग करना अकलमंदों का काम नहीं है। विक्ट्री के लिए कुछ और सोचना होगा। भूल जाओ। हम लोग क्या बात कर रहे थे? क्या हो उस्मान, क्या खबर लाए हो? उस्मान के गार्ड्स इर्द गिर्द ही होंगे, हमें बहुत ही देहान और खामोशी से जाना होगा। क्या आपके पास मेरे फ्लू का कोई इलाज नहीं? इस फ्लू का बड़े बड़े डॉक्टर तभी कुछ ना बिगाड़ सके तो मैं क्या चीज हूँ। हाँ, चाय में शहद मिलाकर पी लो तो शायद ठीक हो जाओ। यही जगह लग रही है।
द डेजर्ट ऑफ अलमराज। कैलकुलेशन के मुताबिक मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। तो आपके हिसाब से ठीक है क्या? डॉक्टर डुबान, हम यहाँ कैसे ढूंढेंगे इफ्रत ओरेकल? यही नक्शा उस तक पहुँचाएगा हमें। पहले यहाँ से यूं इस तरह, हाँ थोड़ी दूर और जाना होगा। अब हम सही जगह पहुंच गए। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओह डॉक्टर डुबान, आपने हमें बचा लिया। अगर आप नहीं होते तो हम क्या करते? मुझ पर तुम्हारे बाबा का एहसान है शहरज़ाद, बहुत बड़ा एहसान। हमारे पास एक ही मौका है ये करने के लिए, है ना शहरज़ाद? तुम करोगी ये? रुक जाओ, जल जाओ वापस। मुझे नहीं लगता अभी ये दोबारा जलेगी डॉक्टर। मालिकिन, वो ओरेकल ऑफ द इफ्रित तक पहुंच गए हैं और उसे जगाने के लिए तीली जलाई उन्होंने। तीली तो जल गई थी लेकिन नील मॉन्स्टर ने कहा अच्छू, फिर आग ने कहा बाय बाय। ये कैसे हो गया? ये काम मैं खुद कर लूंगी माय लिटिल एम्स। दुनियाजाद, क्या लंच नहीं करेंगे आप मेरे साथ? अभी तो आपने अपना फेवरेट खाना खाया। ओह हाँ, बहुत मजे का था। लेकिन मेरा फिर से कुछ खाने का दिल चाह रहा है। मुझे शायद अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते डॉक्टर डुबान, अब आप ही बताएं हम क्या करें। शायद हमें घर वापस जाना होगा। यह सोचो कि स्टिक कैसे मिलेगी फिर। याद आया हलील, आपने कहा था आपके पास ऑयल है ना? हाँ वो तो है मेरे पास, मेरे लैंप में। हाँ बहुत अच्छा आइडिया है शेरजाद, उसके जरिए हम इसे जला सकते हैं। लग तो ऐसा रहा है कि कुछ देर बाद मैं खुद भी जल जाऊंगा। काश मैं अपनी छतरी ले आता साथ। अरे क्या हुआ, मैं रास्ता ढूंढ रहा था। हम टेलीस्कोप के इस लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, सन रेजेस से ऑयल पर आसानी से आग लग जाएगी। जबरदस्त, क्या शानदार आइडिया है, एक्सीलेंट। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। करीम, हलील के लैंप से आप उस जगह पर तेल डालें। शुक्र है इस वक्त छींक नहीं आई। गुड। हाँ मुझे नींद से किसने जगाया? जल्दी करो, मैं अपना राज सिर्फ एक बार बताऊंगा। जिन दो को चुना गया है वो आगे आए। ये क्या कह रहा है, दो लोगों को चुना गया है? हमारी बात कर रहा है शायद। हम दोनों यही हैं ओरेकल। मैंने दो लोगों की बात की है, किसी मॉन्स्टर की नहीं। समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को? रुके, जा नहीं। ठीक है बताएं दूसरा कौन है। ये राज मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। नहीं रुक जाएं, और कौन हो सकता है? समझ नहीं आ रहा,
अगर ये हर एक को इसी तरह मना करते रहे तो हमारा मकसद कैसे पूरा होगा? हलील, चुप रहे प्लीज, रुके। आखिरकार वो आ गई जिसे चुना गया है। क्या दुनिया आजाद? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरे रास्ते से हट जाओ मॉन्स्टर। मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कहिए, अब जिन लोगों को चुना गया है एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ो। आपका मतलब मैं और शेरजा? नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए हम दोनों को मिलकर काम करना होगा। लेकिन अगर हम दोनों ये जान जाते हैं कि वो कहाँ है तो तुम हमें रोकने की कोशिश करोगी। ठीक कहा, और तुम मुझे रोकोगी। हालांकि मेरे लिए मुश्किल है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं, लेकिन हाथ मिला लेते हैं। मिलाओ। मैं जल्दी करो, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मॉम आसिफा फसीहा थी और मेरे पापा कभी नहीं चाहते थे कि तुम्हारी मॉम का मकसद पूरा हो। तो ये सब तुम पावर के लिए नहीं कर रही, तुम सिर्फ बदला लेना चाहती हो मुझसे। बदला? और तुमसे? तुम्हारी हैसियत चींटी से ज्यादा नहीं। तो तुम्हारा क्या इरादा है? ट्री ऑफ लाइफ हर एक को अपने अंदर की बुराई से बचाता है, लेकिन मैं इस बुराई को दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। यही मेरी मॉम का मिशन था, लेकिन तुम्हारे वालिद ने उन्हें रोका। अब मुझे मौका मिला है कि मैं उस अजीम जादूगरनी आसफा फसीहा का मिशन पूरा कर सकूं। क्या ट्री ऑफ लाइफ से मिशन पूरा हो सकता है? ट्री ऑफ लाइफ में दुनिया की भलाई और बुराई दोनों शामिल है। अब ये तुम पर है कि तुम उसका क्या इस्तेमाल करते हो। सोच लो, ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास कि मैं तुम्हारी तरफ अपना हाथ बढ़ा रही हूँ शेरजा, दोस्ती के लिए। डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं इनके हाथ में क्या है? इसमें जरूर इनकी कोई चाल दिखाई देती है मुझे। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। जल्दी करो शेरजा, हाथ बढ़ाओ अपना। कोई रास्ता भी नहीं है। हम दोनों आ गई हैं और जो भी कहा जाए उसे गौर से सुनना, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार बताऊंगा ट्री ऑफ लाइफ के बारे में। आखिरी अजीब ताकत का महल जहाँ छुपा है मिस्ट्री पोर्टल, वो गोल्डन की से खुलता है जिसके क्लू में एक लाफानी ताकत है। करीब मेरी चाल चलने का वक्त अब आ गया है। इधर, बस मिल गया। वापस करो, क्या मारा है? कभी नहीं, 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 छीन सको तो छीन लो। लड़ क्यों रहे थे हम लोग वैसे? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। हाँ, मुझे भी सहेली से क्या काम, फालतू है बिल्कुल। बहुत जल्द अंजाम को पहुंच जाओगी तुम। अच्छी बात ये है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कैसे। कोई आखिरी ख्वाहिश? वेट। क्या हुआ, ये जगह कौन सी है? मैं भी खुद जानना चाहता हूँ क्या हुआ आखिर। क्या हम ओरेकल में पहुँच गए? हाँ बताओ मुझे, आखिर कहाँ है हम? क्यों किया है तुमने मेरे साथ? बताओ मुझे। मुझे नहीं मालूम। हलील, आपने कमाल कर दिया, आपने बहुत हिम्मत दिखाई, हमारे हीरो है। अगर मैंने हिम्मत दिखाई है तो फिर हम भाग क्यों रहे हैं? मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी।
एक और पहेली। आखिरी अजीम ताकत का महल एक मिस्टिक पोर्टल को छुपाए हुए है और वो एक गोल्डन की से खुलता है जिसके ग्लो में एक लाफानी ताकत है। मिस्टिक पोर्टल और गोल्डन की, मतलब ये है कि एक नया मिशन। हाँ, और एक नई उम्मीद भी। जमाल, क्रिस्टल सिटी की तरफ चलो। हमारे पास एक क्लू था और अच्छी बात ये थी कि दुनिया साथ के पास नहीं था। अगर हम खामोशी से अपना काम करते रहते तो कामयाब हो सकते थे, लेकिन दुनिया साथ की नजर से बचना आसान नहीं था। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है।